अध्याय चार। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। पर वो उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमी से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें।